आज की जो जॉब अपडेट है ये क्रोएशिया कंट्री के लिए है, और क्रोएशिया शेंगेन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो अगर आपको क्रोएशिया का वीज़ा मिल जाता है तो आप 27 कंट्री में विज़िट कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। तो अभी जो ओपनिंग आई हुई है कंस्ट्रक्शन हेल्पर के लिए आई हुई है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर में जो आपकी सैलरी रहेगी वो बेसिक 800 से लेकर 1100 यूरो के बीच में आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और अगर आप हॉलीडे वाले दिन काम करते हो, रोटी वगैरह लगाते हो, तो आपकी सैलरी 1200 यूरो के आसपास हो जाएगी इसमें। और जो इसमें ड्यूटी आवर है वो 8 घंटे की ड्यूटी पर डे रहेगी इसमें। और जो इसमें एलिजिबिलिटी है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, अगर फ्रेशर है तो वो भी कर सकता है, बस थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए तो आपका काम वहाँ ईजी रहेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस अगर इंग्लिश आती है तो वहाँ कम्युनिकेट करने में ईजी रहता है आपको, तो इंग्लिश का बस ये एक बेनिफिट हो जाता है। और कंपनी इसमें आपको फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें, पासपोर्ट, PCC विद अपोस्टाइल और फोटो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो चाहिए इसमें वे अप्लाई करने के लिए। और जो इसमें का प्रोसेस टाइम है वो 4 से 5 महीने का प्रोसेस टाइम है, और इसमें आपको 1 ईयर का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा जो हर साल रिन्यू रहेगा, होता रहेगा, जब तक आप वहाँ काम करना चाहते हो रिन्यू करवा सकते हो। और वहाँ जाने के 1-2 महीने के बाद आपको TRC मिल जाएगी, उसके बाद आप जॉब भी चेंज कर सकते हो अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो। और वहाँ से अगर आप आगे मूव होना चाहते हो तो आप आगे जा कर के, अगर आप कोई अच्छा एम्प्लॉयर वगैरह आपको वापस मिल जाता है तो आप वापस बैक आ करके रिज़ाइन करके कंपनी छोड़ करके फिर लीगली वहाँ से आगे भी मूव हो सकते हो। और अगर आप क्रोएशिया में ही काम करना चाहते हो तो वहाँ भी आप आराम से काम कर सकते हो, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और शेंगेन कंट्री है तो वहाँ से और भी कंट्री में विज़िट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। तो ये थी आज की ओपनिंग जो क्रोएशिया कंट्री के लिए थी कंस्ट्रक्शन हेल्पर में। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अभी अप्लाई करना चाहते हो वो कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। आप अगर ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जो भी कंसल्टेंसी इंडिया में जेन्युइन वर्क कर रही है और लाइसेंस होल्डर है अच्छी कंसल्टेंसी, और उनके पास कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। तो इससे आप को अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मैं जॉब अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप रेगुलर अपडेट ले सकते हो। तो ये थी आपकी जो आज की जॉब अपडेट जो क्रोएशिया कंट्री के लिए थी, इसमें कंस्ट्रक्शन हेल्पर चाहिए था। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं।